पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट 2x से लेकर 20x तक ऑलरेडी पंप हो चुकी है और इस समय समझ नहीं आ रहा कि किस ऑल्टकॉइन में पैसा लगाएं सो दैट आने वाले दिनों में वहां से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन पाए। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और इस वीडियो को देखने के कुछ रूल्स भी हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बिना किसी देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑल्टकॉइन्स हैं जो कि पूरी की पूरी मार्केट के पंप होने के दौरान भी अभी तक अपनी उन्हीं पोजिशंस के ऊपर टिके हुए हैं। दूसरा, आने वाले दिनों में उन ऑल्टकॉइन्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट दिख सकती है। तीसरा, वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सॉलिड है, उनके प्रोडक्ट्स भी रियल यूज केस के साथ मार्केट को सॉल्यूशंस दे रहे हैं। आज की वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसके कुछ रूल्स हैं। पहला, अगर आप इन ऑल्टकॉइन्स में पोजीशन बना रहे हैं तो मेक श्योर आपकी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए होनी चाहिए। आप इनके लॉन्ग टर्म होल्डर्स भी बन सकते हैं बट अभी की पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए है। दूसरा, आप जब भी इनको बाय करें लिमिट ऑर्डर लगाकर बाय करें। तीसरा, आप इन्हें सपोर्ट में भी बाय कर सकते हैं बट उसके लिए आपकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। वहीं पर आप इन्हें फ्यूचर ट्रेड में भी बाय कर सकते हैं बट आपकी जो लेवरेज है वो डिसेंट होनी चाहिए, 2x से लेकर 5x के अंदर लीजिएगा। अदरवाइज अगर मार्केट में थोड़ी सी भी हिलावट आई, यानी कि मार्केट थोड़ी सी भी डंप हुई, वहां पर पोजिशन आपकी लिक्विडेट हो सकती है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑल्टकॉइन्स हैं और मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट है केवल 2000 लाइक्स का और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो अगर मैं पूरी की पूरी मार्केट की बात करूं तो हरे निशान के साथ हमें खुश कर रही है और ऑलमोस्ट हर एक ऑल्टकॉइन इस समय पर पंप हो चुका है। पोलकाडॉट, चेनलिंक, ऑडी, आवा, सोलाना, एडीए, मैटिक, किस किस का नाम लें, सारे प्रोजेक्ट 2x से लेकर 10x 20x तक पंप हो चुके हैं। बट ये एक लिस्ट देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट है यूनिस्वैप। ये प्रोजेक्ट अभी भी पंप नहीं हुआ है, अभी भी 6-7.5 डॉलर्स के बीच में ट्रेड हो रहा है बट इसका जो प्लेटफॉर्म है यूनिस्वैप बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इन्होंने ही सबसे पहले एयरड्रॉप दिया था। इवन दो आज से कुछ देर पहले मैंने इसका अनाउंसमेंट अपने टेलीग्राम के ऊपर भी दिया था। मेक श्योर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां पर 3000 यूएस डॉलर्स का एक एयर ड्रॉप केवल टेलीग्राम यूजर्स के लिए मैं जनवरी में अनाउंस करने वाला हूं। मेक श्योर अभी ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। अगला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है वो आता है XRP। XRP एक वो प्रोजेक्ट है जिसने पूरी की पूरी पिछली बुल रैली निकाल दी क्योंकि इसके ऊपर चल रहा था केस, बट डे बाय डे सेटलमेंट की न्यूज़ आ रही हैं। SEC भी इस समय पर काफी नरम लग रहा है XRP के पूरे के पूरे केस को लेकर। वहीं पर XRP की जो पोजीशनिंग है इस समय पर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो काफी अच्छी है। हाल ही में दुबई ने भी इसके साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए टाइप किया है। वीजा और मास्टर ऑलरेडी इसके साथ काम कर रहे हैं। मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए XRP का इस्तेमाल आने वाले दिनों में करेगी। इवन दो अगर आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो एक्सिस बैंक इंडिया में भी XRP को लेकर कुछ आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आने वाले समय में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए XRP को भी यूज किया जा सकता है। XRP एक सॉलिड प्रोजेक्ट है जो कि इस समय पर तो 0.6 डॉलर्स के आसपास चल रहा है, पर मेरा मानना है कि अगर बुल रैली आती है और ये प्रोजेक्ट के ऊपर से केस खत्म होता है तो इमीडिएट अराउंड 200% के आसपास का पंप दिखाई देगा और आने वाले दिनों में एक आप कह सकते हैं एक ग्रेजुअल ग्रोथ इस प्रोजेक्ट में हमें यहां पर दिख सकती है। अगला प्रोजेक्ट जो हमारी लिस्ट में आता है वो आता है लाइटकॉइन। लाइटकॉइन स्क्रिप्ट बेस्ड माइनिंग करता है। लाइटकॉइन भी पिछले काफी लंबे से 60-70 डॉलर्स के बीच में ही चल रहा है। हालांकि अगस्त में इसकी हॉल्विंग हुई थी जिसको लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चा थी कि लाइटकॉइन 150-200-300 डॉलर्स तक चला जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट लाइटकॉइन एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर पहले टर्न में हमेशा रूल करता आ रहा है। हर एक लीडिंग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के ऊपर लाइटकॉइन आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाइटकॉइन के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग और मैनेजमेंट थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, बट लाइटकॉइन हमेशा से ही बुल रैली में जबरदस्त छप्पड़पाड़ लोगों को प्रॉफिट जनरेट कर देता है। लाइटकॉइन को इसलिए भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, एक रियल प्रोडक्ट के साथ साथ अलग सी माइनिंग इसकी होती है, स्क्रिप्ट बेस्ड माइनिंग होती है। लाइटकॉइन इस समय अगर आपको 70-75 डॉलर्स के बीच में मिल रहा है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डर है तो 4x से लेकर 8x के आसपास ये प्रोजेक्ट हमें एक प्रॉफिट यहां पर दे सकता है। अगेन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद रिसर्च करिएगा क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगला प्रोजेक्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो यहां पर इथेरियम क्लासिक। आज से कुछ समय पहले इथेरियम की चेन हैक हुई थी जहां से दो चेन्स को डिवाइड कर दिया गया था। एक चेन आ गई थी इथेरियम और दूसरी चेन आ गई थी इथेरियम क्लासिक। इथेरियम क्लासिक इथेरियम के ही चेन से निकला हुआ है। इथेरियम क्लासिक इस समय पर 20-22 डॉलर्स के आसपास काफी लंबे से चल रहा है, जहां पर पूरी की पूरी मार्केट 2x से लेकर 10x तक पंप हो गई, वहीं पर इथेरियम क्लासिक अभी भी 18 डॉलर से लेकर 22 डॉलर के बीच में धक्के खा रहा है। बट पिछली बुल रैली में
इसने बॉटम लगाया था $600 के आसपास, ऑल टाइम हाई लगाया था $190 के आसपास, और मैंने $170-$172 के ऊपर सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया था। इस बार भी उम्मीद है कि इथेरियम क्लासिक लगभग $450-$500 तक भी जा सकता है। प्रोडक्ट सॉलिड है, और उसके साथ साथ खास बात यह है कि जितने भी इथेरियम माइनर्स थे और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट उन्होंने इथेरियम को माइन करने के लिए लगा रखी थी, अब जो इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क से शिफ्ट हो चुका है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, और जितने भी वो माइनर्स हैं उनकी पहली पसंद इस समय माइन करने के लिए इथेरियम क्लासिक है। आज भी इथेरियम क्लासिक की माइनिंग ग्राफिक कार्ड से ही होती है, और जितने भी माइनर्स हैं उनकी पहली कोशिश होगी कि उन्होंने पिछले एक साल में जो इथेरियम क्लासिक्स को कलेक्ट किया है वो इसको डेफिनेटली व्हील्स के द्वारा पंप करके इसको अच्छे प्राइजेस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इथेरियम क्लासिक को इग्नोर मत करिएगा। अगला प्रोजेक्ट जो मेरी लिस्ट में आता है यहाँ पर, वो आता है ENS। इसको लेकर मैंने टेलीग्राम के ऊपर 2 दिन पहले बताया था, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। आप भी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक का टेलीग्राम का, अभी ज्वाइन करें। ENS जब मैंने बताया था वो चल रहा था $8.5-$9 के बीच में, इस समय पर $10.5 के आसपास चल रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी मैं और खास बताऊं तो ये अब तक का सबसे पहला Web3 प्रोजेक्ट बन चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बहुत सारे Web3 प्रोजेक्ट्स हैं, बट 16-17 में जब किसी को Web3 के बारे में पता भी नहीं था, ENS सबसे काम कर रहा है। ES ने जब एयर ड्रॉप दिया था एक एक व्यक्ति को $8,000 से लेकर $9,000 के टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे। यहां पर आप वेबसाइट्स मोर और साथ ही आप अपने एक डिजिटल आइडेंटिटी बना सकते हैं। जब भी आपको किसी से इथेरियम में पेमेंट लेनी है या फिर इथेरियम नेटवर्क के ऊपर पेमेंट लेनी है तो आप क्या करते हैं, अपना एड्रेस भेजते हैं। बट अब से आप क्या करिए कि अपना नाम, जैसे कि आपका नाम है मान लेते हैं रोहित शर्मा, तो आप आए rohitsharma.eth के नाम से आपकी एक डोमेन बन जाएगी, आपका एक Web3 एड्रेस बन जाएगा। अब उस व्यक्ति को जब आप बोलेंगे कि इसमें डालें, तो उस व्यक्ति को कभी भी आपको एड्रेस देने की जरूरत नहीं, उसको बोले आप मेरे rohitsharma.eth के एड्रेस पर पेमेंट डाल दें, तो पेमेंट आपके वॉलेट में आ जाएगी। ये आपके एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आज के दिन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, बट ENS एक प्राउड इंडियन प्रोजेक्ट है, एंड आई बिलीव कि ये प्रोजेक्ट वापस से अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को जनरेट कर देगा। अगला प्रोजेक्ट जो अभी तक बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है वो लेयर 1 प्रोजेक्ट है Aptos। Aptos को लेकर कुछ ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि अगर मैं बात करूं कि पिछले काफी लंबे समय से, अगर मैं पिछले एक महीने में भी बात करूं जहां पर मार्केट बहुत ज्यादा पंप हो गई है, ये अभी तक 40-45% ही पंप हुआ है। ये प्रोजेक्ट अभी भी मैं मानता हूं कि अंडरवैल्यूड है। अभी हाल ही में फरवरी और अप्रैल के बीच में ये प्रोजेक्ट $20 को टच कर आया था और वापिस से $3-$4 के ऊपर आया। Aptos एक लेयर 1 प्रोजेक्ट है और इसकी जो टीम है वो कॉन्टिन्यूसली इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रियल यूज केस प्रोजेक्ट्स इस समय Aptos चेन के ऊपर आ रहे हैं। Aptos चेन को इग्नोर मत करिएगा, फास्टेस्ट ब्लॉकचेन के साथ साथ लोएस्ट ट्रांजेक्शन फीस के साथ काम करती है और हूबहू सोलाना की तरह मार्केट को डेवलप कर रही है। अच्छा प्रोजेक्ट है। अगला प्रोजेक्ट जो हमारी लिस्ट में आता है और मैं ये बोलूंगा कि इस वीडियो का लास्ट प्रोजेक्ट है, वो है DAO Maker का DAO टोकन। DAO Maker वो प्लेटफॉर्म है जहां पर बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं। DAO Maker बेसिकली एक लॉन्च पैड है। इस लॉन्च पैड के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसने DAO Maker को अप्रोच नहीं किया और DAO Maker के ऊपर लॉन्च नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी पहली पसंद आती है कि वो DAO Maker के ऊपर लॉन्च हो, क्योंकि DAO Maker की जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और DAO Maker के ऊपर आना ही अपने आप में प्रोजेक्ट का सक्सेस होने में माना जाता है। DAO Maker के अगर टोकन्स को आप होल्ड करते हैं, अपने वॉलेट में रखते हैं, तो आपको यहाँ पर प्राइवेट एलोकेशंस भी मिलती है, जहां पर वो प्रोजेक्ट जो DAO Maker के ऊपर लिस्ट होने वाला है आज से कुछ दिनों में, वो प्रोजेक्ट आपको बहुत सस्ते दामों में वहां पर मिलता है अगर आप इनके टोकन को होल्ड करते हैं। इस समय पर लगभग $1.10 के आसपास मिलने वाला ये प्रोजेक्ट। पिछली अभी जो 3 महीने से हम एक रैली देख रहे हैं उसमें इतना पाप नहीं हुआ है जितना इस प्रोजेक्ट को होना चाहिए था। वहीं पर एज कंपेरिजन टू अदर प्रोजेक्ट जैसे कि BSC पैड है, CDFI है, ट्रस्ट पैड है, इन पोल्स है, इन ये प्रोजेक्ट ज्यादा पंप हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट टू एज कंपेरिजन टू DAO Maker लॉन्च पर। डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को अपनी लिस्ट में रखिएगा। दोस्तों ये सारे के सारे वो प्रोजेक्ट्स थे जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, बट अभी मैं जो प्राइसेस के ऊपर सजेस्ट कर रहा हूं ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। अगर BTC $42,500 के ऊपर रहता है तो इनकी रैली आने वाले 2-4-5 दिन के अंदर हमें दिख सकती है। अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट यहां पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट रिसेंटली इन्वेस्टिगेशन के साथ, रिसर्च के साथ अगर किया जाए तो आने वाली बुल रैली में हमें 10x से भी ऊपर का प्रॉफिट दे सकता है। अगेन आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं कमेंट में बताइएगा।
आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो डेफिनेटली आने वाली बुल रैली में परफॉर्म करेंगे? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो का टारगेट है केवल 2000 का, 2000 लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग करने के अगर शौकीन है तो प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करें और हमारी टीम से बात करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।